गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। कल के करंट अफेयर्स छूट गए थे तो उनको आज कवर कर ले रहे हैं। कल के कर लेते हैं और आज के कर लेते हैं। और कल आप लोगों को उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा 6 महीने का कवरेज रहेगा, 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक। और जुलाई के आगे के जो भी वीडियो रहेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से, मैं उनको मंथली बेसिस पर अपडेट करता जाऊँगा, ठीक है। चलिए, पहला टॉपिक है, बड़े गाँवों को नगरों में बदलने की योजना बना रहा है उत्तर प्रदेश। जिन गांवों की आबादी 20,000 से ज़्यादा है उन गांवों को नगर पंचायत का दर्जा देने की बात की जा रही है। और जैसे गांव नगर पंचायत बन जाएगा तो फिर वहां पर शहरी सुविधाएं प्रदान की जाने लगेंगी। तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में बड़े गांवों को नगरों में बदलने की योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो यूपी लगा देना। बाकी नगर की सरकारों का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये सब हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 93 से इसको लागू किया गया था। 73 से पार्ट 9 जोड़ा गया था और 74 से भाग 9 ही जोड़ा गया था। पार्ट 9 में जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक है, ठीक है। ओ के बाद क्या आता, पी आता। तो आप देख रहे होंगे 243 पी से पार्ट 9 ए के आर्टिकल शुरू हो जाते हैं, यानी शहर की सरकारों के, नगर की सरकारों के आर्टिकल शुरू हो जाते हैं 243 पी से 243 जेड जी तक। यानी ओवरऑल 243 ही आर्टिकल है जिसमें पार्ट 9 और पार्ट 9 ए दोनों समाये हुए हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है किसी भी क्षेत्र के शहरी क्षेत्र होने के, ये एक बार क्वेश्चन एज इट इज़ UBPCS पूछा है। किसी भी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र तब बोला जाता है जब उस क्षेत्र की कम से कम आबादी 5,000 हो, कम से कम 5,000 की पॉपुलेशन होना चाहिए और कम से कम 75% जो पॉपुलेशन है गैर कृषि व्यवसायों में लिप्त होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए 75% पॉपुलेशन। और बाकी जो तीसरी कंडीशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम से कम 400 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, हर एक किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में कम से कम 400 पर्संस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ वैधानिक प्रोविज़न है। बाकी स्थानीय शासन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है। राज्य डिसाइड करता है कि कौन सा क्षेत्र नगर पालिका होगा, कौन सा क्षेत्र नगर पंचायत होगी। आगे चलें, चलिए। माइक्रोसॉफ्ट के साथ सरकार का एक अनुबंध हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, और ये अनुबंध सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए हुआ है। सिविल सर्वेंट्स को जो ट्रेनिंग देगा वो माइक्रोसॉफ्ट देगा, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स हैं, वर्ड पे काम करना, एक्सेल पे काम करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें सिखाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट याद रखना, ऑप्शन में गूगल दे देगा, अमेजोन दे देगा, चार ऑप्शन कुछ भी बना के दे सकता है। चलिए, जॉनसन एंड जॉनसन टाक, इसके बारे में तो जानते होंगे, ये बेबी पाउडर बनाता है, कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल जाइंट है, फार्मास्यूटिकल में एक कद्दावर कंपनी है। अब जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं उनको ये सब पाउडर लगाया जाता है, अब भाई सस्ते तो आते नहीं, अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं, महंगे आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम आप लोगों में जब हम लोग बच्चे थे तो नसीब मिला हो ये पाउडर लगने का। यहाँ तो बस सरसों का तेल हुआ करता था, उसी को चपोड़ दिया जाता था। इस कंपनी का न्यूज़ में रहने का कारण यह है कि 2023 से ये जो बेबी पाउडर आता था जॉनसन एंड जॉनसन का, ये इसको ख़त्म कर रहे हैं, इसकी सप्लाई बंद कर रहे हैं, इसको बनाना बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बेबी पाउडर था ये टाक बेस्ड होता था, टाक पढ़ लीजिए या फिर टाल्क पढ़ लीजिए। इस बेबी पाउडर को इस कंपनी ने डिसकंटिन्यू नहीं कर दिया। कारण क्या है, ये जो टाक मटेरियल है ये सॉफ्टेस्ट नॉन मिनरल है, ये हम लोग जानते हैं। दिक्कत क्या है टाक के साथ, दिक्कत है टाक डिपॉजिट्स में, इनके डिपॉजिट्स में एस्बेस्टोस की प्रेजेंस पाई गई है। और एस्बेस्टोस के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसकी प्रेजेंस से कैंसर भी हो सकता है, इससे फेफड़ों के कैंसर हो जाते हैं, इससे ओवेरियन कैंसर भी हो जाता है। हमारे लिए क्या काम की चीज़ है, हमारे लिए काम की चीज़ है एस्बेस्टोस और टाक, इसके बारे में पूछा जा सकता है, साइंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में तो हमेशा मैचिंग में एक क्वेश्चन मिलता ही है। और यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, टाक का यहाँ पे केमिकल नेम हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। कन्याएं भी ध्यान रखना, लिपस्टिक हुआ, आईलाइनर्स वगैरह जो आते हैं इन सब में भी ये सब मटेरियल होता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है निपुण माइंस। इससे पहले हम लोगों ने एक माइंस पर और चर्चा की थी, बटरफ्लाई माइंस, जिसको ग्रीन पैरेट के नाम से भी जानते हैं। रसिया यूज कर रहा था, रशियन फोर्स यूज कर रही थी यूक्रेन के खिलाफ। और इन बटरफ्लाई माइंस को आप जहाँ पे भी प्लेस करना चाहते हैं, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हवाई रास्ते से इसको ग्लाइड करके भी फेंक सकते हैं और जाके ज़मीन में धस जाती हैं। और जब भी कोई टैंक कॉन्टैक्ट में आता है तो ये एक्सप्लोड कर जाती हैं, फट जाती हैं। तो बटरफ्लाई माइंस के साथ साथ निपुण माइंस भी याद रखें, ये इंडियन माइंस हैं, ठीक है, स्वदेशी निर्मित हैं, इनको भी रिसेंटली डिफेंस फोर्सेज को सौंपा गया। तो क्वेश्चन मैचिंग में पूछा जा सकता है, बटरफ्लाई माइंस के आगे कुछ और देश लिख देगा, निपुण माइंस के आगे कुछ और देश लिख देगा, वो मैचिंग करने को पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, ब्रू रिफ्यूजी, ये कम्युनिटी याद रखना है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये त्रिपुरा मिजोरम असम राज्य में रहती हैं, ओरिजिनली बिलोंग करती हैं मिजोरम से,
इनको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है इंडिया के, जो बहुत ज़्यादा खतरे में है। अभी इस कम्युनिटी द्वारा 15 अगस्त को एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। इस सेरेमनी को होम मिनिस्टर साहब ने ज्वाइन भी किया था, तो उसके चलते ये न्यूज़ में थी। तो आपको ध्यान रखना है, इनका क्षेत्र याद रखना है, मिजोरम से ओरिजिनली बिलोंग करती हैं। बाकी ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो इधर उधर मतलब क्षेत्र वितरे तो रहते ही हैं। इस ब्रू कम्युनिटी को रियांग कम्युनिटी भी बोलते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन में रियांग करके पूछे, तो ध्यान रखना ये ब्रू कम्युनिटी के बारे में ही पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीकन चीता, इनको तो ट्रांसलोकेट करने की बात हो रही थी, भारत में लाने की बात हो रही थी। 10-12 चीता हैं जिनको भारत में लाने की बात की जा रही थी, और इसको 15 अगस्त 2022 से पहले पहले लाना था, लेकिन इस टारगेट को गवर्नमेंट ने मिस कर दिया, इसी के चलते फिर से न्यूज में आ गया। तो हमारे काम की चीज़ यहाँ पर नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ से ये चीता लाया जा रहा है। भारत में कहाँ लाया जा रहा है? कूनो पालपुर में लाया जा रहा है, फॉरेस्ट रिजर्व है मध्य प्रदेश का। कूनो के नाम से नेशनल पार्क भी है। फॉरेस्ट रिजर्व जो क्षेत्र होता है ना, वो बहुत बड़ा एरिया होता है। इस फॉरेस्ट रिजर्व में कई ठो नेशनल पार्क हो सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट रिजर्व बोल लीजिए या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बोल लीजिए। 1952 से भारत में चीता है ही नहीं, एक्सटिंक्ट है। चलिए, तो ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका याद रखना। पिछली बार जब हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, तो नामीबिया में एक डेजर्ट है उसकी चर्चा की थी, उसका नाम बताइए जल्दी से, नामिब। और साउथ अफ्रीका में एक कंट्री विद इन द कंट्री है जिसे लेसोथो बोलते हैं, ठीक है। मैपिंग करेंगे तो सब सीखा जाएगा। और ये जो मैपिंग सीरीज मैं कर रहा हूँ एनिमेशन वाली, उसको आप लोग देख लिया कीजिए, ठीक है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन एटलीस्ट जगह का आराम तो पता चल जाता है, जगह रिवाइज हो जाती है। इस आरओ सीरीज में हम लोग मैपिंग भी डिटेल्ड मैनर में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एमपी हो गया, कूनो पालपुर फॉरेस्ट रिजर्व में लाया जा रहा है। अब देखते हैं कब तक लाया जाएगा। प्रोटेक्शन कहाँ पे? IUCN में, वल्नरेबल है, सफेद है, और साइट्स में परिशिष्ट वन में है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए, 15 अगस्त पर फिर से संकल्प लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और ये संकल्प सिर्फ उन्हीं का नहीं है, पूरे सिटीजन्स का है, पूरे इंडियन सिटीजन्स का है। इन संकल्प को बोला गया है पंच प्राण, जैसे COP26 में उन्होंने बोला था, क्या बोल के आए थे वहाँ पे? पंच अमृत, जो बेसिकली किस पे फोकस थे? स्वच्छ ऊर्जा पे, क्लीन एनर्जी पे। 15 अगस्त पर फिर से प्लेज किया है। ये पंच प्राण है क्या, ये देख लेते हैं। जैसे पंचामृत की मेन थीम थी क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, ऐसे ही पंच प्राण का जो मेन थीम है वो है डेवलप्ड इंडिया, भारत को विकसित करना है। कैसे कैसे करना है? ये 25 साल के लिए टारगेट दिया गया है, 2047 में हम लोग 100 साल पूरे कर लेंगे इंडिपेंडेंस के। पंच प्राण नंबर वन है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। दूसरा पंच प्राण है कॉलोनियल माइंडसेट जो है उसको ख़त्म करना है। तीसरा पंच प्राण है टेक प्राइड इन अवर रूट्स, यानी जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए, सभी को गर्व करना चाहिए। चौथा पंच प्राण है अवर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। पाँचवा है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन्स, ठीक है। तो ये पंच प्राण याद रखना, कोडिंग में कोड में पूछा जा सकता है। चलिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान की सबसे बड़ी संस्था है, भविष्यवाणी करती है। अभी हाल ही में महानदी पे इन्होंने डेटा दिया है, बाढ़ की आशंका बनी हुई है। हमारे काम की चीज़ यहाँ पे महानदी के बारे में पढ़ना है। अब डिपार्टमेंट एस्टिमेट करता है, कभी बारिश हो जाती है ज़्यादा, कभी नहीं भी होती है। इस संस्था की स्थापना 1875 में हुई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मत लगा देना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग फैक्ट है, लगता है ना भारत मौसम विज्ञान इसके अंडर में काम करता होगा, इसके अंडर में काम नहीं करता है, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान के अंदर काम करती है। बाकी महानदी ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है, सोर्स कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में इसका सोर्स है, बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो हसदेव है। हसदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी न्यूज़ में भी था कुछ दिन पहले, हसदेव के फॉरेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा? इन खानों के चलते इन फॉरेस्ट पर बुरा असर पड़ रहा था, उसके चलते हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पे क्या है, इस नदी पे हीराकुंड बांध है जो सबसे बड़ा है, लंबा है। चलिए, फीफा द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF सस्पेंड हो गई है। सस्पेंड क्यों कर दिया? क्योंकि फीफा का कहना है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व आप लोगों ने किया है, थर्ड पार्टी के द्वारा अनुचित प्रभाव के लिए सस्पेंड किया गया है। ये थर्ड पार्टी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसके पीछे की कहानी है कि अभी प्रफुल्ल पटेल AIFF के चीफ हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब ये पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं है, इनकार कर रहे हैं, और बीमारी का कुछ कारण बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल साहब को इस पद से हटा दिया और एक समिति अपॉइंट कर दी इसके मैनेजमेंट के लिए, संस्था के मैनेजमेंट के लिए।
यही बात फीफा को पसंद नहीं आई कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरफेयर कर रही है। और प्रफुल्ल पटेल साहब फीफा परिषद के सदस्य भी हैं। फीफा के कुछ नॉर्म्स हैं, कोई भी लॉ इंस्टीट्यूशन इंटरफेयर नहीं करेगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंटरफेयर नहीं करेगा, तो यहाँ पे लॉ इंस्टीट्यूशन ने इंटरफेयर कर दिया, तो इसी के चलते फीफा मुंह फुला लिया। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है सफाई मित्र सुरक्षित शहर। अभी हाल ही में 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। इस योजना को 2020 में लॉन्च किया गया था। 243 शहरों में ये शुरू की गई थी 19 नवंबर 2020 को। तो यहाँ पे हम लोग की काम की चीज़ क्या है, 19 नवंबर, क्योंकि 19 नवंबर को क्या होता है, विश्व शौचालय दिवस। इसको 2-3 बार पूछ चुका है PPCS। 2020 में तो जो एग्ज़ाम हुए थे उत्तर प्रदेश में, सभी में पूछा गया था, तो ध्यान रखे रहिए, मैचिंग में काम आ जाता है 19 नवंबर। चलिए, पालन 1000 क्या है। अभी पूछेगा क्वेश्चन, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। ऑप्शन में पालन 1000 कर देगा, मातृत्व 1000 कर देगा, सखी 1000 कर देगा, यानी बच्चे के पैदा होने के बाद शुरुआती 2 वर्ष जो हैं, इस टाइम फ्रेम में बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए ये राष्ट्रीय अभियान है पालन 1000। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इसको चलाया गया है। ठीक है, चलिए। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ड्रोन्स के द्वारा दवाइयों को सप्लाई किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर अभी हाल ही में कहाँ पर सम्मेलन हुआ, मास्को में हुआ। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, पूछेगा इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 कहाँ पे हुआ है, मास्को लगा देना। होम मिनिस्टर साहब ने, राजनाथ सिंह साहब ने इसको खुद संबोधित किया है। और यहाँ पे थोड़ा पड़ोसी देशों को आग भी दिखा दिए। इंडिया इज अ सेंट्रल कंट्री इन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन की जो सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, प्रतिबद्धता है, वो भारत की है। तो ये छोटी आँख वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, चलिए। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है बांधों के ऊपर, दुनिया में बांधों की स्थिति देख लेते हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बांधों की संख्या कहाँ पर है, डैम्स की संख्या कहाँ पर है, चाइना लगा देना। यहाँ पे 23,841 बड़े बांध हैं। ये सब फैक्ट याद नहीं रखना है, नंबर याद नहीं रखना है। दूसरा अमेरिका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े बांध है, तीसरा नंबर भारत का है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, और रैंक भी याद रखना है, थर्ड पोजीशन है। भारत में 4,407 बड़े बांध है। अगर स्टेट वाइज पूछे तो महाराष्ट्र लगा देना, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, उसके बाद फिर गुजरात में। ठीक है, चलिए। कुछ और यहाँ पे फैक्ट हैं, स्टैटिक फैक्ट हैं, जान लीजिए, काम की चीज़ें ये भी। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, कल्लनई बांध, कावेरी नदी पे बना है, 2000 साल पुराना बांध है, तमिलनाडु में है। टेहरी बांध के बारे में क्या पढ़ते हैं, ये सबसे ऊंचा बांध है, भागीरथी पर है, उत्तराखंड में। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ये महानदी पे बना है, उड़ीसा में। तो सबसे पुराना देख लिया, सबसे ऊंचा देख लिया, और सबसे लंबा देख लिया। ठीक है, कौन सी समिति बांधों से संबंधित है, डैम से संबंधित है, चोपड़ा समिति। ठीक है, तो ये आजकल के करंट अफेयर्स हो गए। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले दिन सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।